सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल मिक्स कंटेंट फ्रॉम प्राची में स्वागत करती हूँ। तो पहले तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने का मेरे पास हर बार कोई ना कोई रीजन होता है। इस बार मेरे जो एग्जाम्स थे वो चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे रॉड की वीडियो शेयर की थी। तो उस जो ड्रिंक मतलब जो हमारी छोटी सी पोर्टेबल रॉड होती है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसे मैंने आपको ग्रीन टी बना के और उसको टेस्ट करके दिखाया था। तो आज मैंने उस रॉड से कॉफ़ी बनाया है। तो क्या कॉफ़ी उस रॉड से हम एक्चुअली बना सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर दूध है उसको हम बॉइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है? तो कुछ लोग अलग अलग तरह से मे भी कॉफ़ी बनाते होंगे, बट मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, शुगर को और जो हमारी कॉफ़ी है उसको कप में डाल देती हूँ और ऊपर से दूध डाल के मिक्स कर देती हूँ। तो मुझे ऐसी ही कॉफ़ी पसंद है। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि हमारी कॉफ़ी कैसी बनती है, कितनी देर में गर्म होता है, नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कप में मैंने कॉफ़ी के लिए ऑलरेडी मिल्क डाल दिया है और अपने इस रॉड को डिप कर दिया है। तो यहाँ पे डिप करने के बाद अब मैं इसे प्लग इन कर देती हूँ और देखती हूँ कि कितनी देर में जो हमारा कॉफ़ी है वो बनके तैयार हो जाता है। तो ये मैंने लगा के हमारा मैंने प्लग इन कर दिया है। तो अब वाटर तो जो हमारा था वो बहुत ही जल्दी गर्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं मिल्क को देखती हूँ कि कितनी देर में गर्म हो जाता है और हमारी कॉफ़ी कैसी बनेगी। तो जैसे हमारे वाटर्स में बहुत ही जल्दी वेपर्स आने स्टार्ट हो गए थे, वैसा इसमें कुछ अभी वेपर्स तो नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी 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 रॉड के साइड में कुछ बबल सा बनना स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं कितनी देर में हमें कॉफ़ी के लिए जो दूध चाहिए वो भी बहुत खौला खौला सा चाहिए, तो बहुत उबलता हुआ चाहिए ताकि मैं अपनी कॉफ़ी बना सके। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो हमारा ये मिल्क यहाँ पे गर्म हो गया है। तो जैसे अगर हम सस्पेन वगैरह में बनाते हैं अपने कोई पैन में, तो जैसे दूध हमारा खौल रहा होता है वैसे खौल रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर आ जाएगा। तो मैंने इसे प्लग ऑफ कर दिया ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, और सेटल डाउन हो गया तो हमारे कॉफ़ी के लिए जो मिल्क है आप देख सकते हैं इतनी जल्दी गर्म हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसकी कॉफ़ी और देखते हैं हमारी कॉफ़ी कैसी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपने कप में कॉफ़ी और शुगर को डाल लिया है और मैंने मिल्क को इस कंटेनर में डाल लिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी और अपनी कॉफ़ी को रेडी करूँगी जो कि हमने उस रॉड की हेल्प से किया है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ उतनी झाग वाली कॉफ़ी तो नहीं बनी है जो, या फिर हम फिल्टर कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल कॉफ़ी जो हम हॉस्टल्स वगैरह में बना के पी सकते हैं। तो ये हमारी कॉफ़ी कुछ इस तरह की अपने गर्म दूध में, आप वेपर्स भी आपको दिख रहे होंगे, वैसे बन के तैयार है। तो ये आपने देख ही लिया है कि जैसे कि मैंने किस तरह से अपने दूध को बॉईल किया है। बस इसमें एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो दूध अगर आप छोटे से कंटेनर या कप वगैरह में बॉईल कर रहे हो, तो जैसे ही अगर हम गैस वगैरह पे बॉईल करते हैं तो दूध ऊपर को आके गिर जाता है, तो इसमें भी वो चांसेस बने रहते हैं। तो आपको बिल्कुल ही ध्यान देते रहना है दूध का कि मतलब वो ऊपर आके ना गिर जाए और अपने कॉफ़ी को बना के इंजॉय कर सकते हैं। रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसा हमारा गैस वगैरह पे हम बनाते हैं या जो भी घर में कॉफ़ी हम बनाते हैं वैसे ही टेस्ट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होती। इसके अलावा एक इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस रॉड को यूज़ करने का, अगर हम वाटर के केस में यूज़ करें, इसको अगर हम रेगुलरली डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा होता है ये रॉड होता है अल्मोनियम का, ये अल्मोनियम ऑक्साइड बना लेता है, और अगर ये बहुत टाइम तक हम यूज़ करते हैं कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही जहाँ पे आपको इमरजेंसी लगे, बहुत ही मतलब कोई और सोर्स अवेलेबल ना हो, तो वहीं पे इस रॉड को यूज़ करें, वरना इस रॉड को यूज़ करने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं बस इसको इन इमरजेंसी केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नॉलेज के लिए आप अपने फ्रेंड्स को जो इस रॉड को बहुत ही कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।